मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे। मुलाजमीन की प्रमोशन और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला, सीबीए एम्प्लॉयज पीएचए यूनियन ने एहतजाज की धमकी दे दी है। सीबीए ने पीएचए को कल तक मुतालबात की मंजूरी की डेडलाइन दे दी है। मुतालबात पूरे ना किए गए तो 12 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। सीबीए यूनियन का ये मौके सामने आया है। मसीह तफसीलात जानते हैं बिलाल न्यासी से। बिलाल आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के कुछ मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं हो सकी थी, जो कि 2 महीने पहले जो प्रमोशन मीटिंग हुई थी उनमें कई मुलाजमीन रह गए थे, जिस पर सीबीए यूनियन की जानब से एहतजाज की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि कई बार डीसी पीएचए को दरख्वास्त दी है कि हमारे मुलाजमीन की प्रमोशन की जाए, लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं की गई। दूसरी जानब डेली वेजेस मुलाजमीन को भी माह सितंबर की तनख्वाह नहीं फराहम की गई, जिस पर मुतालबा किया गया कि उनको फौरी तनख्वाह फराहम की जाए। और उन्होंने ये मुतालबा किया कि हम कल तक का टाइम देते हैं डीजी पीएचए को कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए तो एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी, लेकिन अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो 12 अक्टूबर को पीएचए ऑफिस में एहतजाजी धरना दिया जाएगा और तमाम मुलाजमीन काम छोड़कर मुकम्मल हड़ताल करेंगे। इस हवाले से उन्होंने अपने ऐलानिया भी जारी कर दिया और उस हवाले से लेटर डीजी पीएचए फैसल रहूर को भी लिख दिया है। जी, मुतालबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल न्यासी हमें अपडेट करने के लिए।